बनना चाहिए, और ऐसा मैसेजफुल ड्रामा अगर हर निर्माता का देना शुरू करें तो अच्छा लगेगा। 18 अप्रैल को से हमारी यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सिनेमा को देखें, अच्छा लगता है तो ऐसा सिनेमा बनाने के लिए हमारे निर्माताओं को, इंडस्ट्री को प्रेरित करें, उनसे कुछ डिमांड करें, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपनी भाषा को सुधारने के लिए। पब्लिक एक अच्छा उमंग दिखाएगी तभी हर जगह एक सुधार अच्छा होगा, मेरा जहाँ तक अपना जी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि 18 तारीख को आप लोग सिनेमा देखने ज़रूर जाएं, इस फिल्म को देखें, और अन्य लोग भी जो भी है आपके आस पड़ोस में सबको भेजने की कोशिश करें। हमें देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंदा केला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और आज दशहरा के शुभ अवसर पे हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म छलिया आज उसका प्रीमियर है, और आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधु को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उसको से 18 तक फिल्म रिलीज हो रही है? हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, जिन्होंने इसके पहले रब्बा इश्नामा बनाया था, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला था, और सेम प्रोड्यूसर गौतम सिंह हमारे बड़े गार्जियन हैं, और काफ़ी प्यार देते हैं, तो छलिया बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। और हमें उम्मीद है कि जैसे आप लोग हर फिल्मों को प्यार देते हैं, छलिया आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और आप लोग को बेहद पसंद आएगी। एक बार फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ थे आपने छलिया की, रब्बा इश्नामा के बाद क्या करना? ये एक बोलते हैं ना होम प्रोडक्शन, जो हम लोग अपना बनाते थे उसको बोलते हैं होम प्रोडक्शन, ऐसा ही हमारा ये स्टार म्यूजिक वर्ल्ड है, ये होम प्रोडक्शन ही समझिए। और ये जो भी हम लोग प्रमोद सर से बोलते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रमोद शास्त्री जी, इतना मानते हैं, इतना बेटा की तरह मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, हम जो चीज़ सोचते नहीं हैं वो चीज़ वो फिल्मों में डालते हैं, फिल्म में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और हमको लगता है कि छलिया आप लोग देखेंगे 18 अक्टूबर को जो रिलीज होगी, बिहार झारखंड मुंबई गुजरात में एक साथ रिलीज हो रही है, तो फुल एक्शन, फुल कॉमेडी, फुल रोमांस, मतलब एक इंटरटेनिंग फिल्म है। और हर फिल्मों का उद्देश्य होता है कि एक सामाजिक संदेश, और जैसा कि भोजपुरी को लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में केवल कॉन्सेप्ट पर फिल्म नहीं बनती है, तो ये हमारी जो छलिया फिल्म है ये एक जाते जाते सामाजिक संदेश भी आप लोग को देखी जाएगी। ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक दशहरा का, और इस अवसर पर आपका प्रीमियर रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले दर्शकों को, और किस प्रकार का आपका प्रचार है इसमें थोड़ी सी जानकारी दें, छलिया बलिया ललिया कौन है? हमें देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। हाँ, हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म है ये, और एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरा रोल थोड़ा सा दबंगई हूँ मैं, जो कि हूँ मैं एक्चुअली, तो वो मेरा रोल है, काफ़ी अच्छा रोल है मेरा। एंड दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट कि इसमें किसका क्या रोल है, ये फिल्म में एक्चुअली एक बहुत अच्छा सोसाइटी को मैसेज दिया गया है, एक करप्शन एंड ऑल्स पे, तो ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल रोल नहीं है, तो इसका ऐसा ही है बस। साल भर हो गया इंडस्ट्री में, और साल भर में मैंने 7 फिल्में की, 7 में से 5, तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी। हम लोग फिल्में कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का जैसे राम जी हैं, या आप लोगों का मैसेज आता था कि मीडिया से आप लोग कब रूबरू होंगे, और जब भी हम लोग पिक डालते हैं या पत्थर के सिनेमा हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो जितने भी हमारे युवा दर्शक हैं जो हमें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है बुजुर्ग लोग भी हमारी फिल्म देखते हैं, लेकिन युवा का काफ़ी मतलब ये कमेंट्स आते हैं कि आप लोग मीडिया के सामने कब आपका इंटरव्यू आएगा, फिल्म तो देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, तो फाइनली दशहरा के शुभ अवसर पर हम दोनों आप सबके बीच हैं, और बस यही कहेंगे कि हमें ही नहीं छलिया की पूरी टीम बहुत मेहनत की है। आप लोग 18 अक्टूबर को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आज हर लोग जब भी ट्रेलर रिलीज होता है तो नीचे कमेंट्स में आता है कि यूट्यूब पर पूरी फिल्म कब आएगी, तो आप लोग यूट्यूब का इंतजार ना कीजिए, जाके फिल्म को, फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बनता है, थिएटर के लिए बनता है, तो आप लोग थिएटर में जाके फिल्म देखिए, हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से ये निवेदन है। आप अभी युवाओं की बात कर रहे थे, जी आप
एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट हमने सेट पे बहुत मस्ती भी की है और कैरेक्टर भी मेरा ऐसे ही चुलबुला टाइप है, तो वैसा ही है। और बहुत उम्मीद है बिकॉज फर्स्ट है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जितना प्यार हमें संघर्ष को मिला था ना, उतना प्यार इस फिल्म को भी मिले। और कैसा कैसा रहा जब काम कर रहे थे अरविंद के साथ, यामिनी जी के साथ, तो कोई कुछ ऐसा घटना है जो आप शेयर करना चाहेंगे? उन्होंने डाटा वाटा होगा, सीरियलिटी दिखाई होगी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी फन करते थे सेट पे। संघर्ष में आप खेसारी जी की बेटी बनी थी, जी क्या कहना चाहोगे एक्सपीरियंस और यहाँ पे हीरोइन बनके? तो इस फिल्म में ये कल्लू जी की बहन बनी है, अपग्रेड हुई है बेटी से बहन, अब बेटी से बहन। हाँ तो उधर भी एक्सपीरियंस अच्छा था, उधर भी सब लोग अच्छे थे, मुझे इधर भी इनफैक्ट सब लोग अच्छे मिले, बहुत स्वीट मिले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबली काम कर रही थी। आपके जो हीरो हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ वो है ना पीछे हमारे भाई हर्ष ठाकुर हैं, इनके पास चले जाएं। हर्ष कहना चाहेंगे अपने जुलदार को? तो हाँ हर्ष है जो मेरा छोटा भाई है, जैसे कि मैंने बताया कि होम प्रोडक्शन, मुझे होम प्रोडक्शन लोग बोलते कीजिए, तो मैं मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भाई लोग इतना प्यार कर देंगे हमें, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और रब्बा इश्नव में जब जिस उम्र से मैं इस लाइन में आया था उसी उम्र में ये इस लाइन में आए, तो मैं इनमें अपना रूप देखता हूँ, अपना बचपना देखता हूँ, तो इतना मेहनती है सेट पे और हमसे बहुत अच्छा फाइट है करते हैं, हमें तो कुछ नहीं करते, वो कराटे वराटे पूरा सीखा हुआ था मार्शल आर्ट्स। हाँ तो मैंने बोला कि चलिए भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा कीजिए कुछ अच्छा कीजिए, तो मेरा भाई इतना अच्छा कर रहा है तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है, और मैं चाहूँगा कि एक ना एक दिन हर्ष भोजपुरी का टाइगर रोपण करें। यामिनी जी दशहरा के दिन माता जी से प्रार्थना। यामिनी जी आपसे बात करें, जैसे अभी आपने बोला कि 5 फिल्में बैक टू बैक कल्लू जी के साथ किया, तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी कैसे चल रही है? एकदम असली वाली कि नकली वाली पूछ रहे हैं अभी? अच्छा नहीं, तो असली में कोई हमारी प्रेम कहानी नहीं है, हम दोनों के अच्छे दोस्त हैं, और ये मिसाल मिलना चाहिए इंडस्ट्री में कि साथ में काम करने मतलब साथ में हम दोनों का कुछ चल रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ मेरे मांग में सिंदूर दिख रहा होगा सबको, क्या टिक्का माजरा ये था, बहुत सवाल रखे हैं भूषण पटियाला जी। टिक्का माजरा थे कि होली में हम लोग प्रयागराज की शूटिंग कर रहे थे, और होली के दिन दो दिन कुछ काम नहीं होता है, तो मैंने बोला कि इलाहाबाद के बगल में ही है, आप चल चलिए हमारे घर पे, और स्पेशली मुझे बुलाया था आपके बोलने से पहले, मुझे पापा बाबूजी ने सासुआ नहीं है वो मेरी क्यों मेरा अच्छा वाला काम बिगाड़ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पापा जी हमेशा साथ रहते हैं, तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और ये इंडस्ट्री को पता चलना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एक मूवी कर रहे हैं हम लोग साथ में, कोई भी हीरो हीरोइन साथ में काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ चल ही रहा हो, क्योंकि होता है एक मुझे ट्यूनिंग इनके साथ जो दिखी वो किसी और के साथ नहीं दिखी, और मैं इस इंडस्ट्री में मतलब क्या बोलूँ, एक जो कंफर्टेबल जोन होता है मुझे वो बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं सेट पे मज़े करने जाती हूँ, लिटरली मज़े करने जाती हूँ, मुझे मस्ती करनी है, ऐसा कब कहा उन्होंने ये इनसे स्पेशली बोला होगा? आपसे स्पेशली बोला था क्या? हाँ हाँ बताया था बाबूजी ने, तो आपको बता देते हैं संजय भूषण पटियाला हम लोग के अगुआ रहेंगे, शादी हो रही आइएगा, अगुआ वहीं रहेंगे, तो आप सबसे निवेदन यही है कि हमारे पर्सनल लाइफ छोड़िए, हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, चलिए जिसमें 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 एक गाना है, आप शादी की बात हुई अभी तो आवाज का, पहले मम्मी को जाके मनाना तबे बनाए जनाना, तो ये मम्मी को मना ले तो जनाना बना। कैसा लगा आपको? ये हाँ बहुत ही अच्छी लग रही हूँ मैं, कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ, थैंक यू सर, आप ऐसे पीछे से आप इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इधर होना चाहिए। पहले तो सभी लोग को हैप्पी दशहरा, मेरा नाम हर्ष ठाकुर है, हाँ सभी लोगों का हैप्पी दशहरा, मेरा नाम हर्ष ठाकुर है, मैं लखनऊ से। बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत लड़ते भी थे और एट द सेम टाइम हम काम भी साथ में ही करते थे, तो अच्छा रहा मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आई काम करके साथ में, मूवी बहुत अच्छी मूवी बनी है, होप सो आप लोग देखेंगे 18 अक्टूबर को सभी थिएटर्स पे, प्लीज़ जाके देखिएगा। देखिए आप लोगों ने बहुत अनुभव, हर्ष आप डेब्यू कर रहे हैं,
हाँ वो बहुत मज़ा आई मूवी में, सेट पे मज़ा आती है मूवी के टाइम, और हम लोग ने बहुत मस्ती की थी, काम भी साथ में बहुत अच्छा किया था। हाँ कभी कभी नहीं, काम काम ही काम था बस। मोहब्बत नहीं करते हैं ना, फ्रेंड है तो मोहब्बत क्या क्या करेंगे, फ्रेंड ही मोहब्बत करता है ना, और क्या, वो मोहब्बत बहुत है। अब तो बस आ रहे हैं। पहली फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा करके? हाँ पहले था, लेकिन फिर जब मूवी स्टार्ट हो गई तो फिर कोई डर नहीं था। प्रमोद जी जो फिल्म डायरेक्टर हैं, कितना सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया, वो हर टाइम आके मुझे बताते थे कि ऐसे डायलॉग डिलीवरी करना है, ऐसे एक्ट है, समझाते थे बैठ के स्क्रिप्ट, हम लोग बहुत हेल्प करते थे। उस टाइम पे आपने कभी सोचा था कि फिल्म में मुझे अभिनय करना है? सोचा तो नहीं था, लेकिन कर दिया। अभी आगे इसमें एम आगे बढ़ाना है या फिर? हाँ बढ़ाना है। तो मेरी सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 18th of October को प्लीज़ विजिट कीजिएगा थिएटर, बिकॉज अभी आपने सबको प्यार दिया, जितने पुराने प्लेयर्स हैं तो हम चाहते हैं हमारी प्लेयर को भी थोड़े से तो प्यार दे ही सकते हैं ना, तो जाइएगा ज़रूर, मूवी देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यारी मूवी बनाई है। सभी लोग प्लीज़ 18th October को सभी सिनेमाघरों में जाके मूवी हमारी देखिए, हमें भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आगे काम करते रहें। थैंक यू। देखिए मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मेरे जो भी किरदार है उसके साथ मैं न्याय कर सकूँ, तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ये कैरेक्टर भी चुलबुला था जो एग्जैक्टली मैं हूँ, तो अच्छे से निकल गया ये वाला कैरेक्टर। तो हाँ आगे मैं और चाहती हूँ कि थोड़े थोड़े चैलेंजिंग रोल्स हैं, बिकॉज हम एक्टर हैं, हमको चैलेंजेस चाहिए, तो अगर आगे आते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। आप और हर्ष कितना नोकझोंक करते थे, लड़ाई झगड़ा? बहुत, इनफैक्ट आने से पहले भी हम कर ही रहे थे कि आगे कौन बैठने वाला है। तो टेक देने में कौन पहला टेक देगा, ऐसा हुआ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसमें हम थे कि ठीक है जिसका काम पहले निकल रहा है निकाल। अरे टेक अगर दिए तो कोई नहीं, तब भी तो मैं कभी कभी गुस्सा करता था रिटेक के लिए। सबसे पहले मेरे तमाम भोजपुरी दर्शकों को सबसे पहले उनके अपने और सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, और 2019 के जौनी दशहरा भाई बहुत सारा खुशियां लेकर आयल भाई हमी सब के खातिर, और आप सबके बहुत 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 सारा शुभकामना दशहरा के, आप सबके घर में खुशियाँ भरी रहे, बनी रहे, और हमेशा सुखी रहे मेरा पूरा भोजपुरिया समाज, मेरा भोजपुरिया परिवार, सभी लोग बहुत खुश रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहें, प्यार बना रहे, एकता बनी रहे सब में आपस में। यही ये दशहरा का जो त्यौहार है, ये विजयदशमी जिसे कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, आज के दिन अच्छाई की जीत हुई थी, तो ये आप सभी लोग के अंदर, जितने भी लोग हैं सबके अंदर, जितने भी अंदर रावण बसता है, जितने भी जिसके भी अंदर बुराई बसती है, उन सभी बुराई को मार कर ख़त्म कर कर आज सबसे प्रेम भाव से सबसे गले लग कर सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना दीजिए, और साथ साथ ये प्रेम ये एकता आपस में बढ़ाए रखिए। ये जो बार बार मैं एक बात बोलता हूँ कि कृपया करके इंसानियत को ज़्यादा फोकस करिए, जाति धर्म ये सब फलना ढिमका इन सब में बिल्कुल मत जाइए, सब में प्यार बांटिए, सब में बहुत सारा ढेर सारा लव यू सभी को। छलिया एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसके डायरेक्टर हमारे प्रमोद शास्त्री जी हैं, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत हमारे भोजपुरी परिवार के एक बहुत खूबसूरत सदस्य हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी जो भी फिल्म आती है टेक्निकली अच्छी होती है, रिच होती है, और इनकी स्टोरी कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ जहाँ तक की बात करूँ छलिया की, तो इसमें जो हमारे नायक हैं कल्लू भाई, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे मेहनती अभिनेता हैं, और अभी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं भाई। अभी इनकी एक फिल्म का टीजर मैंने देखा था, विजेता, जो बहुत मेहनत किया उन्होंने, और जितने भी फिल्में हैं, तो जितने भी स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे यूथ भाई हैं, जो युवा जो कलाकार हैं, बल्कि नए नहीं बोलूँगा क्योंकि कल्लू भाई हमारे, हम लोग उनको तब से देख रहे हैं, बहुत समय से उनको देखा जा रहा है, बहुत समय से उनको लोगों का प्यार मिला है, तो जितने भी युवा भाई हैं, हमारे युवा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भोजपुरी में स्पेशली, और युवाओं के अंदर एक अलग जोश, एक अलग एनर्जी होता है,
और जितने भी लोग हैं सभी को, पूरे टीम को, छलिया के पूरे टीम को, उनके प्रोड्यूसर, मेकर्स, फाइनेंसर, डायरेक्टर्स, जितने भी पूरी टीम जो कैमरे के पीछे, डीओपीस, कोरियोग्राफर, एक्शन मास्टर, जितने भी लोग हैं टीम से जुड़े हुए, सारे कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं दिल से कि सबकी मेहनत रंग लाए, सबका मेहनत सफल हो, फिल्म बहुत अच्छी करें। हम लोग तो इसी प्रयास में रहते हैं कि अच्छी फिल्में ज़रूर चले, और मैंने हमेशा बोला है कि लोग जाकर सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को ज़रूर देखिए, अगर आप सबको फिल्म अच्छी लगे तो जाकर ज़रूर देखिए। और अब तो लोग बोलते हैं कि अब बहुत अच्छा एक सिविलाइजेशन, एक बदलाव आया है भोजपुरी में। जैसा कि अभी हमारी एक फिल्म विवाह का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, उसके साथ साथ तीन बड़ी फिल्मों का मुहूर्त हुआ था, तीनों अलग जोनर हैं, साथ साथ जितने भी फिल्में आ रही है, अभी प्रेम गीत का ट्रेलर आया, तो जितने भी फिल्में आ रही हैं, अभी तुरंत अभी एक आने वाली है लैला मजनू का ट्रेलर, आप सबसे निवेदन करूँगा जो ट्रेलर आया तो ज़रूर देखें। जितनी भी फिल्में आ रही हैं सब में एक अलग जोन, एक अलग कॉन्सेप्ट और एक नायाब चीज़ लेकर आ रहे हैं सभी लोग, और सभी डायरेक्टर्स की, सभी मेकर्स की आजकल यही प्रयास है, यही कोशिश है कि हम कुछ नया करें, बेहतर करें भोजपुरी सिनेमा खातिर, भोजपुरी सिनेमा के लिए। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कमेंट्स में जो एक बातें आती हैं लोगों के कि नया नहीं, लेकिन अब मैं बोलना चाहूँगा कि अब काफ़ी नए चीज़ें आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप सबको फिल्में पसंद आए, जितनी भी फिल्में आ रही हैं, और सारी फिल्में देखिए। आप सबको जिनकी भी फिल्म अच्छी लगी आप लोग जाकर सिनेमा हॉल में लेकिन जाकर देखिए, और अच्छे से अपना प्यार और आशीर्वाद, अपना दुलार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पर अपना बनाए रखें। छलिया का जो कि आज प्रीमियर है छलिया फिल्म का, और हमारे जो छोटे भाई हैं प्रमोद शास्त्री, ये बहुत मेहनती हैं। बाकी जैसे चिंटू ने कहा है, मैं इनको बहुत सालों से जान रहा हूँ, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो ये जब भी कोई फिल्म बनाते हैं ये पूरा कलरफुल फिल्म होती है, कहीं ना कहीं एक जो फ्लेवर होता है वो राजकुमार पांडे वाला तड़का वो भी उसमें अपनी फिल्मों में डालते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, भव्यता होती है इनकी फिल्मों के अंदर। एक फिल्म बनाते हैं, फिर कुछ दिन ये उसके बारे में दूसरी फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरी फिल्म बनाते हैं, तो ये बहुत सशक्त और बहुत कर्मठ मेकर हैं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि छलिया को आप लोग देखें। मेरा एक और बेटा जिसका नाम है कल्लू, और कल्लू अर्जुन अकेला उसने अभिनय किया है इसमें, तो कल्लू जो है वो बचपन से एक इतना खूबसूरत नायाब सिंगर, और कल्लू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप लोग प्यार दीजिए छलिया को, इसके पूरी टीम को, इसके राइटर को, इसके डायरेक्टर को, और जो भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक फिल्म बड़ी नहीं होगी। बनाते तो हम फिल्म को एक लेवल में है, लेकिन बड़ा करने का काम जो है वो दर्शकों का होता है, तो छलिया को एकदम बड़ा रूप दे दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए सभी सिनेमा को, और सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामना। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आप अपने अपने काम में और अच्छे काम में व्यस्त रहें, यही कहूँगा बस। थैंक यू, सारा प्यार मिलेगा कि सबके वो लोग से प्यार करना, हम एक राइटर बने और हम उस दर्द के समझ सकते हैं कि कितना मेहनत के बाद एक सिनेमा बने ना, कितना खूबसूरती के साथ लोग उभरे थे, जुनून के साथ, लगन के साथ बनावे ला। और ऐसे भी कल्लू भाई के साथ हमारा बहुत पुराना लगाव है, जब वो इंडस्ट्री में बहुत कम काम कर ले तब उनके हम ही सिनेमा लाइन में बुले ले रहे सिनेमा करा था, लेकिन आज उनके देख के बहुत खुशी होला कि आज के समय में बहुत अच्छा नाम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, उनके बहुत सारा शुभकामना बा, बहुत सारा प्यार बा कि ये तरह हमेशा वो आगे काम करा सकता। जी बिल्कुल, सर का नाम है विकास वशिष्ठ जी, और मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी, फिल्म का नाम था जन्नत इश्क, सर हिंदी फिल्म बट बिहारी बैकग्राउंड पे, बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी वो फिल्म, सर से हमारी जान पहचान उसी फिल्म में हुई थी, सुशील भैया भी थे फिल्म, और तब से हम लोग दूसरे के टच में हैं, और आज इनको मैं बुलाया हूँ फिल्म देखने के लिए। बाकी का सर बताएंगे, और अभी एक शार्प शूटर रही थी भोजपुरी फिल्म बन रही है, उसके भी डायरेक्टर है सर, उसमें भी मैं इनके साथ काम करने वाला हूँ, तो बाकी का आप उनसे पूछ लीजिए। सर बताना चाहें कैसे लगे? जी फिल्म अच्छी है, मेरी शुभकामनाएं प्रमोद शास्त्री जी को और छलिया की पूरी टीम को, और मैं अपनी फिल्म शार्प शूटर के पूरी टीम की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ, फिल्म चले और हमारे भोजपुरी उसका ग्राफ उठे, बस यही मेरी शुभकामना है, और मैं अपनी पूरी टीम शार्प शूटर की तरफ से इन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और देव साहब का धन्यवाद करता हूँ, और प्रमोद शास्त्री जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया,
और पूरी फिल्म कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और वो जो भैया का मैं नाम नहीं जानता जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं छोटे वाले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर्ष जी और कल्लू जी। और मेरा तो शार्प शूटर पहला भोजपुरी है सर, मैं थोड़ा हिंदी से हूँ तो इसलिए अभी बहुत सीखनी पड़ेगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देव जी ने बुलाया और संजय भूषण भाई तो साथ रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा मैं दोनों हीरोइन शुभकामनाएं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा काम किया, मेरी शुभकामनाएं, फिल्म सुपर डुपर हिट हो और हमारे शार्प शूटर की पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं सर। उनके तो सानिध्य में सब कुछ हो रहा है और उनकी देखरेख में, और हम भी कोशिश में एक अच्छा प्रयास करें, एक भेंट दें हम भी भोजपुरी समाज को अपनी तरफ से। आपकी फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल मैं कर रहा हूँ, आप भी इंस्पेक्टर का रोल देखिए, आप कैसा लगा? मेरी फिल्म में अभी इंस्पेक्टर नहीं, कुछ और बनाऊंगा मैं भी मजाक कर रहा हूँ, अच्छा सा कैरेक्टर करेंगे। सर थिएटर से काफी दिनों से जुड़े हुए मैं, वैसे दिल्ली से हूँ और मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे सीरियल किए हैं, और अभी 2015 से मैं इधर हूँ जिसमें 3-4 हिंदी फिल्में कर रहा हूँ जो आने वाली हैं, अभी बेहतर आ जाए तो अच्छा लगेगा मुझे बताते हुए। लेकिन अभी जो जल्दी में आने वाली है वो जन्नत इश्क है हिंदी फिल्म और बिहार की पृष्ठभूमि। कुछ थैंक यू।